कनौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी की तरफ से नागरिकता संशोधन कानून पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने कट्टरपंथियों को खुला ऐलान करते हुए कहा कि अगर उन्होंने पाकिस्तान से आए पीड़ितों को नागरिकता लेने से रोका तो वह एक और धर्म युद्ध के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोगों को नागरिकता देने का है, देश में रहने वाले नागरिकों का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव में हैसियत है तो वह सीएए के विरोध में सपा के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारें। भोले भाले मुसलमानों को बरगला कर हिंसा करवा रहे हैं अखिलेश यादव। अरे कट्टरपंथियों, भारत की नागरिकता उनको मिल चुकी है, नहीं रहने दोगे तो एक धर्म युद्ध और होने वाला है। रोक सकते हो तो रोक लो, धर्म युद्ध होगा। उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दे दी गई है, कोई माइकल लाल उनकी नागरिकता नहीं ले सकता। तुमने अन्याय किया, हमने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तुम कहा करते थे मोदी आएगा कटवा डालेगा, मोदी आएगा तो फड़वा डालेगा, मोदी आएगा तो मस्जिद जाएगी, मोदी आएगा तो ये कर देगा, मोदी आएगा तो वो कर देगा। अरे मोदी तो आया ही आया, साथ में योगी को भी लाया। बताओ मित्रों क्या किया? हिंदुस्तान के एक भी मुसलमान के साथ में कोई अन्याय हुआ क्या? मित्रों 5 साल की सरकार में 10 करोड़ से भी अधिक घरों को शौचालय दिए। ये अमेंडमेंट जो हमारे यहाँ संशोधन बिल हुआ है, इसका कोई गलत मतलब नहीं लिया, जिसका मतलब ये लोग दे रहे हैं, हमारे दूसरे लोग जो यहाँ के हैं, तो उसी के विषय में ये चर्चा होनी थी आज यहाँ पर कि ये है क्या। अब जिसके पास था कमा के रखा है तो बांटेंगे अपराधियों को और शरण देंगे अपराधियों को? उसको तो कहीं ना कहीं निकालेंगे ना, उन्होंने इस तरह कलेक्ट करके रखा है जो उल्टा सीधा पैसा, तो ऐसे ही अपराधियों को ही तो देंगे ना। प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं क्या जमीन तलाश रही है यूपी में आके? उनके पास जमीन हो तो ना, उनके पास कोई जमीन नहीं है, वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उनको कुछ करना है। अब वो खाली हो गई हैं, फ्री हो गई हैं घर गृहस्थी से, तो वो निकली हैं, थोड़ा बहुत देख रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना अभी कि जहां उनको जाना चाहिए वहां पर 100 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं, वहां पर वो नहीं गई, और वहां पर यहां पर ऐसे जगह पर जा रही हैं जो जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नष्ट किया है, उसके आग लगाई है, लोग मरे हैं उसमें, वहां वो पहुँच रहे हैं।